हेलो चिल्ड्रन, वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे ऑन पेज नंबर 113, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके, चैप्टर नंबर 24. सो लिसनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर द स्टूडेंट. मतलब आपको सुनना चाहिए कि कोई क्या कह रहा है. इट इज़ राइटली सेड दैट अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्टूडेंट. हमेशा ये कहा जाता है जो अच्छा लिसनर होता है वो हमेशा अच्छा स्टूडेंट बनता है. अगर आप इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से सुनोगे तो आपको कोई भी काम करने में आसानी रहेगी हमेशा. ओके, सो अनटिल वी लिसन केयरफुली वी कैन नॉट आंसर एनी क्वेश्चन एट ऑल. जब तक हम सही से सुन नहीं लेंगे हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है, या अगर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो हम उसका रिवर्ट नहीं दे पाएंगे. सो वी शुड इम्प्रूव आवर लिसनिंग स्किल. तो सबसे पहले हमें अपनी सुनने की जो स्किल्स होती हैं वो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेटा. वी लिसन टू सॉन्ग्स, लेक्चर्स ऑफ टीचर्स, टॉक्स ऑफ जनरल पब्लिक, स्पीचेस ऑफ लीडर्स एक्सेट्रा. ऑल दीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, व्यूज एंड प्रीचिंग्स. वी नीड टू बी मोर अटेंटिव वाइल लिसनिंग. तो हम क्या क्या सुनते हैं, हम लिसन टू सॉन्ग्स गाने सुनते हैं, टीचर्स के लेक्चर्स सुनते हैं, जनरल पब्लिक की बातें सुनते हैं, लीडर्स के स्पीच सुनते हैं. तो ये सब हमारे हियरिंग में, लिसनिंग में ही ये चीज़ें लिसनिंग के अंडर आती हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं. व्यूज़ लोगों के, प्रीचिंग्स लोगों की, टीचिंग्स लोगों की. वी नीड टू बी वेरी अटेंटिव. हमें बहुत अटेंटिव होना पड़ता है जब हम ये सुनते हैं. हाउ टू अटेम्प्ट द लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. अब हमें कैसे अटेम्प्ट करना है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, गेट एन आइडिया एंड सेट योर माइंड टू आंसर. बी क्लियर अबाउट वॉट यू हैव लिसन टू. ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर एक आइडिया सेट करिए, माइंड में अपने आंसर बनाइए, क्लियर रहिए कि आपने क्या सुना था और इसका क्या जवाब देना है. आफ्टर लिसनिंग टू द पैसेज मेक नोट्स ऑफ द सेम इन योर माइंड. जब आप पैसेज पढ़ लें तो वहाँ नोट्स बना लें अपने माइंड में, और आप उन्हें पेन डाउन भी कर सकते हैं एक कॉपी में या पेपर में. ठीक है, लिसन टू द रिकॉर्डिंग अगेन. फिर से हम उस रिकॉर्डिंग को सुननी चाहिए. टिक द आंसर्स दैट यू थिंक आर करेक्ट. रेक्टिफाई द रॉन्ग आंसर्स. जो गलत हैं उन्हें रॉन्ग कर दीजिए और उन्हें टिक कर दीजिए जो सही लगते हैं आपको. कंप्लीट द रिमेनिंग आंसर्स. जो आधे अधूरे रह गए हैं उन्हें कंप्लीट कर दीजिए. लास्टली रिवाइज द आंसर दैट यू हैव टिक एंड एंश्योर दे आर करेक्ट. ये हम अपने एग्जाम पेपर में भी बेटा हम यही करते हैं. क्या करते हैं हम, जब हमारे पास पैसेज होता है तो हम उसे रीड करते हैं अच्छे से, कंप्लीट करते हैं आंसर्स को, और उसके बाद हम एक लास्ट चेक करते हैं कि हमने ठीक किया है कि नहीं. ठीक है, तो अब हम एक स्टोरी ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक स्टोरी है लट्टू एंड हिज डॉग की, और उसमें हमें आंसर्स टिक करने हैं. चैप्टर नंबर 24, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन पेज नंबर 113. वहाँ पे आप लोग नीचे देखेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने, लिसन टू द स्टोरी अबाउट लेजी लट्टू एंड हिज डॉग. उसकी स्क्रिप्ट जो है बेटा, उसकी जो स्टोरी है वो पेज नंबर 139 पे लिखी हुई है. यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है पेज नंबर 135 पे, लेकिन वो 135 पे नहीं, वो 139 पे है. तो वी विल स्टार्ट रीडिंग दिस लेजी लट्टू एंड हिज डॉग, एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. लट्टू एंड वॉज अ लेजी लिटिल बॉय हु डिसलाइक्ड एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड हेटेड प्लेइंग. बहुत ही जो लट्टू था वो बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करता था, बहुत ही ज़्यादा लेजी था, वो डिसलाइक करता था कोई भी एक्सरसाइज करना या फिर खेलना. ही इवन रिफ्यूज टू हेल्प हिज पेरेंट्स एट होम. ही लव्ड स्लीपिंग फॉर आवर्स एंड वॉच टेलीविजन थ्रू आउट द डे. वो क्या करता था, वो अपने पेरेंट्स को घर पे हेल्प भी नहीं करता था, और उसको सोना, घंटों तक सोना बहुत ज़्यादा पसंद था, और उसको थ्रू आउट द डे, ऑल थ्रू आउट द डे उसको पूरा दिन टीवी देखना बहुत पसंद था. लट्टू हैड अ पेट कॉल्ड डिंगो. डिंगो सैट एट हिज मास्टर्स फीट थ्रू आउट द डे. और उसका एक पेट डॉग था, उसका नाम डिंगो था. डिंगो को पसंद था लट्टू के पैरों में पूरा दिन बैठना. सिंस लट्टू एंड डिंगो वर वेरी लेजी. दोनों ही बहुत लेजी थे. दे हैड बोथ बिकम वेरी फैट. वो दोनों बहुत लेजी थे और इसी वजह से वो दोनों बहुत फैट हो गए थे.
लट्टूज मदर वॉज वरीड अबाउट लट्टूज एंड डिंगोज इंक्रीजिंग वेट, और लट्टू की जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा वरी हो गई थी. शी वॉज वरिंग अबाउट बोथ ऑफ देयर वेट. शी डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट एंड आफ्टर दैट शी डिसाइडेड कि कुछ करना चाहिए. वन इवनिंग शी सेड टू लट्टू, व्हाई डोंट यू टेक डिंगो फॉर अ वॉक. वो लट्टू को कहती है कि जाओ तुम डिंगो को रोज़ वॉक पे क्यों नहीं लेके जाते हो. आफ्टर सम प्रोटेस्ट लट्टू फाइनली अग्रीड, और बहुत उसके कहने के बाद, बहुत उसको समझाने के बाद वो फाइनली अग्री हो जाता है. लट्टू पुट द लीश अराउंड डिंगोज नेक एंड वेंट आउट फॉर अ स्ट्रॉल. स्ट्रॉल मतलब घुमाने के लिए, ठीक है. लीश क्या होता है, जो डॉग को यहाँ पे एक पट्टा जैसे हम बोलते हैं नेक पे, अराउंड द नेक डॉग को हम बांधते हैं कि डॉग रन ना कर जाए उसको पकड़ने के लिए, वो लीश होता है. वो लीश उसने उसको डॉग डिंगो के नेक में डाली एंड ही दे वेंट आउट फॉर अ स्ट्रॉल मतलब घुमाने के लिए बाहर. जस्ट देन डिंगो सॉ अ लिटिल बर्ड, डिंगो ने मतलब उसके पेट डॉग ने तभी एक लिटिल बर्ड देखी. ही लेप्ट टू कैच इट, लेप्ट मतलब उसने झपट्टा मारा उसको कैच करने के लिए. द बर्ड फ्लू फादर, जो बर्ड है वो थोड़ी और आगे चली गई. डिंगो चेज द बर्ड ड्रैगिंग लेजी लट्टू बिहाइंड हिम, डिंगो ने क्या किया, बर्ड को चेज करने के लिए आगे भागा और लट्टू को पीछे पीछे अपने साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेजी था लट्टू, तो वो रन तो कर नहीं पाता था, एक्सरसाइज उससे होती नहीं थी, तो वो ड्रैग करते हुए घसीटते घसीटते लट्टू को अपने साथ ले आया. दे रैन अराउंड एंड राउंड फॉर एन आवर, और वो ऐसे ही भागते रहे पूरे घंटे. द बर्ड वॉज आउट ऑफ साइट, लेकिन बर्ड जो है वो उनकी नज़रों से परे हो गई. आउट ऑफ साइट मतलब आँखों से परे हो जाना, ना दिखना. फाइनली डिंगो गेव अप, अब फाइनली अब डिंगो ने उसके डॉग पेट ने अब गेव अप कर दिया था कि भाई अब नहीं मिल रही, अब मैंने गिव अप कर दिया. एंड स्लोड डाउन, और वो रुक गया. लट्टू गैस्ड फॉर ब्रेथ, ऐसे हम थक के जब रुकते हैं तो हम सांस लेते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं, तो वो उसने ली. बोट फेल टायर्ड एंड हंगरी, अब दोनों को बहुत भूख भी लगी और बहुत थक गए थे. लट्टू सेड टू डिंगो, वॉजंट इट फन टू रन अराउंड, लट्टू ने डिंगो को कहा मज़ा आया ना ऐसा करके. डिंगो अग्रीड विद अ वूफ, और जैसे डॉग्स आंसर बैक करते हैं वूफ विद अ वूफ, वूफ करके उसने उसको लट्टू को रिप्लाई किया कि हाँ मज़ा आया. शैल वी डू इट एवरी डे, लट्टू ने उसको बोला क्या हमें रोज़ करें ये चीज़. इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू एक्सरसाइज, उसने कहा कितना रिफ्रेशिंग था एक्सरसाइज करना. डिंगो वेज्ड हिज टेल इन अग्रीमेंट, और डॉग ने जैसे वो आंसर्स करते हैं उसने अपनी टेल को वेक किया मतलब हिलाया कि येस वी विल डू इट एवरी डे. लट्टू रियलाइज दैट एक्सरसाइज कैन बी फन टू, लट्टू ने रियलाइज़ करा कि एक्सरसाइज बहुत फन लविंग हो सकती है.